बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप सब पर अल्लाह पाक का खास करम हो और आप सब पर अल्लाह पाक दुख दर तकलीफ़ों को हमेशा हमेशा के लिए दूर करे। तो इसी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। फ़र्स्ट मेरी तरफ़ से और अब्बू जी की तरफ से आप सबको रमज़ान शरीफ का दूसरा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज जुम्मे के दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह से आज जो मौसम है आप मेरे पीछे देखें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो फर्स्ट अबू जी से मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू जी क्या हाल है, खैरियत है? ठीक हो, तबीयत ठीक है? दुआ। अबू जी सुनो हाल, जुम्मे दे तैयारी का क्या प्रोग्राम है? इंशाल्लाह तैयारी है। तैयारी है बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ते ए छोटे भी आज मैं नाल तैयार थे कण तुसा? जी हां। तो जुम्मे दे? जी हां। तू जुम्मे दे? जी। यार बात ऐसी है, मेरे पास एक बाइक है, रिक्शा वगैरह नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों में से फैसला करो किसने जाना है। अच्छा तुसा जुल्ले क्यों है मस्जिद उदे जुमा पढ़ क्यों है तुसा? उस्ताद जी हां। केड़ा उस्ताद? उस्ताद आमिर। उस्ताद आमिर जी हां। सवेर अल मस्जिद है जी, कुटेन दे जड़ा बाल जुमा ना पढ़े जी हां। मैं को लगदा इको कछनाक सी छोटा बाल है, तू थोड़ा वड्डा है, तू जुल पिया। अब इको किदे ना जुलो कल्ले? हां किदे जुलो है ना, किदे जुलो किदे जुलो इको कल्ले को किदे जुलदे हैं ते ए ना जुलले, तू जुल पिया। ठीक है, तू टोपी मेरी बात दिखाना जी हां। मैं को तेरे को रास्ते टोपी छके ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजू बना के दे वो? हां बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने जुमा नमाज पढ़ने के लिए तैयारी कर ली है। तो फर्स्ट चलते हैं जुमा नमाज अदा करते हैं, उसके बाद वापसी आकर आपसे जो है अगला सीन शेयर करेंगे। तब तक के लिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए तो यार एक सब्सक्राइब होगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से मेरी ज़िंदगी में चेंज आ सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कल से मेरे 3K फॉलोअर मीन्स के 3000 सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब पर पूरे हो चुके हैं। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो अब्बू भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब्बू जी कल हो के मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3000 फॉलोअर पूरे थी गए, मतलब के 3000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे थी गए अल्हम्दुलिल्लाह। ते इन्हां दी अल्हम्दुलिल्लाह बो इन्हां दी सपोर्ट दी वजह कलो आज ठीक, तो इन्हां दी सपोर्ट दी वजह कलो आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे 3K फॉलोअर पूरे थन। लोग सारी वीडियो माशाल्लाह पसंद करन दे देन, ते उंदी वजह नाल आज साडे थारी दुआ है अबू पी उमा दी दुआ है, इन्हां छोटे बालां दी माशाल्लाह दुआ है आज सारे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज से जो है, बल्कि आज से नहीं कल शाम से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे 3K फॉलोअर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज इसी खुशी में हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आज एक तो जुम्मा है, ये भी एक ईद है जुम्मा नमाज। तो इसी खुशी में मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3K फॉलोअर जो है यूट्यूब पर पूरे हो चुके हैं। तो ये आप लोगों का प्यार मोहब्बत की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये खुशी मिली है। तो इंशाल्लाह ताला आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें ताकि मैं कुछ अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूं। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3K फॉलोअर जो हैं यूट्यूब पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं, मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश है। तो आप सब ने मुझे सपोर्ट करनी है जिस तरह आपने पहले सपोर्ट की। तो फर्स्ट चलते हैं जुमा नमाज अदा करते हैं, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमने तैयारी कर ली है और छोटे ने जी मेरी टोपी पहन ली है। तो फर्स्ट मैं इनसे टोपी लेता हूँ। तो अब चलते हैं जुमा नमाज अदा करते हैं, उसके बाद जो वापसी आकर आपसे जो है नेक्स्ट दिन आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुमा नमाज़ पढ़कर घर वापस आ गया हूँ। तो आज से 3 दिन पहले हमारा एक करीबी दोस्त था, रिश्तेदार भी था, हमसाया भी था, तो उसका अचानक एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल नौजवान था। तो आज उनके यहाँ जो है रोज़ इफ्तारी का प्रोग्राम है, ईसा अलैहि सवाब के लिए खैरात का प्रोग्राम बनाया गया है। तो मैं और मेरा चाचू जा रहे हैं वहीं, बिल्कुल सेम इसे देखें कि मेरे अब्बू की शक्ल का ये है बिल्कुल, हालांकि मेरे अब्बू के ये कज़न हैं और दिखने में ऐसे लगते हैं जैसा कि मेरे अब्बू ही हों। तो कई दफ़ा लोग भूल जाते हैं कि ये कौन खड़ा है, मेरा अब्बू है या ये मेरा चाचू खड़ा है। तो आप खुद देखो जी। तो अब तैयार हो गए हैं, तस्बीह भी हाथ में ले ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर ली है, तो अब चलते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो गया है। तो अब तैयारी है, वहाँ पर खैरात का प्रोग्राम बना हुआ है ईसा अलैहि सवाब के लिए, तो वहाँ पर जा रहे हैं। तो आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक ताज़ा फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का रखना बहुत ही ख्याल, और हम लोगों को रखना अपनी ढेर सारी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तुम्हारा हुक्म जो है सब कुछ जानने के बाद